महाराष्ट्र पुलिस ने एक रेव पार्टी में छापेमारी कर 4 बॉलीवुड अभिनेत्रियों सहित 12 लड़कियों को पकड़ा है। इनमें से एक युवती बिग बॉस में भी शामिल हो चुकी है, साथ ही 10 पुरुषों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी में सुबह मानस रिजॉर्ट्स के एक हिस्से में पुलिस ने छापा मारा। इस रिजॉर्ट्स में स्काई ताज विला नाम के बंगले में रेव पार्टी शुरू होने की गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस तुरंत हरकत में आई। नासिक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सचिन पाटिल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेड मारी। बंगले के अंदर तेज आवाज में म्यूजिक शुरू था, डांस और मस्ती शुरू थी, रेव पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली 4 महिलाएं भी शामिल थी। इनमें से एक महिला ने बिग बॉस में भी भाग लिया था। पार्टी में कुल 10 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल थी। पुलिस ने इन 22 लोगों को अरेस्ट किया। दूसरी ओर बर्थडे के लिए ड्रग्स पार्टी करने वाली एक बॉलीवुड अभिनेत्री को कुछ दिन पहले ही मुंबई में पकड़ा गया था। सांता क्रूज इलाके के 5 स्टार होटल में संबंधित अभिनेत्री को उसके दोस्तों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया था। पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने छापेमारी की और अभिनेत्री को उसके दोस्तों के साथ पकड़ा। वो होटल के एक रूम में अपने दोस्त के साथ चरस पी रही थी। उसके दोस्त आशिक हुसैन को भी पुलिस ने अरेस्ट किया था। इसके बाद सांता क्रूज पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। दोनों को कोर्ट में हाजिर किया गया और वो जमानत पर छूट गए। ड्रग्स और डर्टी चीजों का बॉलीवुड कनेक्शन लगातार सामने आ रहा है। बार बार सामने आ रहा है कि आए दिन रेव पार्टियां आयोजित की जा रही हैं और ड्रग्स पार्टी में तमाम हीरोइंस और हीरो शामिल हो रहे हैं। इन सभी का कनेक्शन बॉलीवुड का सामने आ रहा है। इसी तरह नासिक के इगतपुरी में रेव पार्टी में जब पुलिस ने छापेमारी की तो वहां भी ड्रग्स और दारू की भरमार मिली। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है।